क्या आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो वजन कम कर लेने को अपने ओवरवेट जितने भी केजी से आप ओवरवेट थे उसको आपने कम कर लिया और आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन काउंट कर रहे हैं? 10 केजी का वजन कम कर लेना, 20 केजी का वजन कम कर लेना वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है? मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी नहीं कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहलाता है बदलाव। बदलाव जो होता है वो क्षणिक होता है। लाइफ लॉन्ग अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए इनर कोर में परिवर्तन करने की जरूरत है। जो अंगुलीमाल डाकू ने किया था महात्मा बुद्ध की वजह से और वो वाल्मीकि बन गए थे, क्या लगता है वो दोबारा जो उनके इनर कोर में बदलाव आया वो कभी अंगुलीमाल क्यों नहीं बन पाए, दोबारा से वो डाकू क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके इनर कोर सेल्फ कोर में बदलाव आया, उनको उनकी वैल्यूज में बदलाव आई। वजन कम करना, वजन ज्यादा करना एक महज बदलाव है और वो बदलाव परमानेंट हो जाए उस तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और परमानेंट होने के लिए कोर फैक्ट में चेंज करना होगा, कोर वैल्यूज में चेंज करना होगा। आपके लाइफ स्टाइल में ऐसी दिक्कतें कौन सी आती है जिसकी वजह से वो आता है? हैबिट क्यों बदल जाती है? हैबिट खराब क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीजन है कोर तब चेंज होगा जब आपका कोर सर्कल, इनर सर्कल चेंज होगा। अपने आज ही अपने इनर सर्कल को चेक करिए, कौन से वो 5 लोग हैं जिनकी जिंदगी की हर बातें आपकी जिंदगी पर अफेक्ट करती है, उनको बदलिए, तभी आप में परिवर्तन आएगा और बदलाव आएगा। बात समझ में आए, वीडियो सही लगे, समझ में आए, अमल में लाइए और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।